नमस्कार, जय हिंद मैथिली न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिथिलांचल के रजनीकांत जी से मिलाने जा रहे हैं। ये रजनीकांत जी सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना से भरपूर हैं, और हाँ फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से ये बखूबी जानते हैं बिहार को, मिथिलांचल को। दिल्ली और बिहार से इनका बहुत गहरा पुराना नाता है। इन्हीं से जानते हैं कि बिहार में इतनी भारी मात्रा में पलायन क्यों हुआ, क्या कारण है बिहार से पलायन होने का। मेरे हिसाब से एक भौगोलिक कारण है जो बिहार पीछे हुआ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जुलाई और अगस्त में जो प्रलयकारी बाढ़ था, वो अचानक जो है 8 से 10 और 15 फीट तक पानी आया, तो कहीं ना कहीं, और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण जो है वो प्राकृतिक आपदा है जो बिहार को सही से उठने और संवरने नहीं दे रहा है। मैं मुख्य रूप से ये कारण देखिए रजनीकांत जी, ये भौगोलिक कारण है समझ में नहीं आई, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी एक कारण है मुझे लगता है। भौगोलिक कारण जो आपको मैंने बताया कि आप नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार के 19-20 जिला को प्रभावित करती है, और उसमें आप देख लीजिए कि मोतिहारी से लेकर रक्सौल, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, किशनगंज, आप जब यहाँ जा तक जाके देखेंगे तो इस बात पर तो हम लोग सहमत हैं ही कि कहीं ना कहीं जो ये 3-4 महीने का जो अप्रत्याशित रूप से जो पानी आता है, तो इसका अगर उचित प्रबंधन हो केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोजगार भी सृजन होगा। और जो बिजली की अभी जो सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत है, उसमें काफ़ी बड़ा डैम बना के वहाँ हम 3-4 महीना बिजली का उत्पादन बढ़िया से कर सकते हैं। ये अलग विषय है, सरकारी स्तर पर इसका प्रयास होना चाहिए। हम लोग भी गाहे बगाहे विभिन्न मंच पर इस चीज़ को उठाते रहे। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि भौगोलिक कारण है, ये बाढ़ जो है वो भौगोलिक कारण तो है, प्राकृतिक आपदा तो है, लेकिन इसका निदान तो है, सालों से प्लानिंग है नदियों को जोड़ने की, सड़कों को जोड़ने की, तटबंध बनाने की, बिजली उत्पादन की, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, और इसीलिए मिथिलांचल की आज ये हालत है, आप ये मानिए, और इसीलिए पलायन भी हुआ। क्या कहते हैं आप? बिहार का एक बहुत बड़ा इलाका, 19-20 जिला आप जाके देखेंगे अनूप जी, तो वहाँ पे एक फसल भी सही से नहीं ले पाते हैं, जबकि इतना उपजाऊ मिट्टी है वहाँ का, इतना नए नए तकनीक आ गए हैं एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन वहाँ हमने देखा, हमने तो खुद अगस्त की बात बता दूँ कि जब हम फुलपरास अंचल, फिर आप बेनीपट्टी इलाका पूरा देखे, जब दूर दूर तक समुद्र जैसा नज़ारा था। एक तो ये कारण है जिसको हम भौगोलिक कारण के कारण जैसे प्राकृतिक आपदा। दूसरी चीज़ आपने इंडस्ट्रीज कहा, तो इंडस्ट्रीज में यह है कि जो पिछले 20 साल से जो आप 1990 से देखिए कि मधुबनी में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज होता था खादी का, और जानकार बताते हैं कि वहाँ के खादी के कपड़े जो है पंडित नेहरू और राजीव गांधी तक शौकीन थे, और वहाँ के खादी मंगवा के वो पहनते थे। और हमने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मधुबनी जिला मुख्यालय में जब उस खादी उद्योग का जो स्थिति देखा, तो मेरा मतलब खुला का खुला आँख रह गया। मैंने देखा कि इतना बड़ा, और मैंने वहाँ के प्रबंधन से जानकारी लिया, कई एकड़ में फैला हुआ है वो खादी उद्योग, और अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बिल्कुल खंडहर में तब्दील हो चुका है। और जब मैंने पूछा तो वहाँ 10,000 लोग परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोजगाररत थे, वो ख़त्म हुआ। ख़त्म क्यों हुआ, सरकार जाने, सरकार को बोलना चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से हमको लगा कि बिहार कहीं ना कहीं 1990 से जो बिहार का जो विकास का गति था, या जो बुनियादी तौर पे जो हमारे अतीत में जो एक रोजगार के साधन थे, वो हमने उसको बचा भी नहीं पाए और एक नया माहौल भी नहीं बना पाए। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि 1990 के दशक में जो सरकार बिहार में थी, उससे दलितों का, पिछड़ों का विकास तो हुआ, लेकिन बिहार मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाया, बिहार का विकास नहीं हुआ, बिहार का औद्योगिक विकास नहीं हुआ,
और ये दूरदृष्टि की कमी के कारण हुआ, राजनीतिक शक्ति की कमी के कारण हुआ। 1990 का जो एक राजनीतिक में सामाजिक जो उदय था, वो जो आपका जिसको तत्कालीन मुख्यमंत्री बहुत बेहतरीन स्तर से जो वंचित वर्ग था उसको उठाए, लेकिन उस समय समाज को उठाते के साथ साथ आपको कहीं न कहीं एक दूरदृष्टि इरादा के तहत आपको कहीं न कहीं 15 साल बिहार खड़ा कहाँ होगा उसके लिए आपको विजन तैयार करना था, उसमें कहीं न कहीं चूक हुआ। और जो आपके साथ ठोस आधार थे, चाहे वो लघु उद्योग हो या खादी उद्योग हो, या आपने चीनी मिल की बात की, सकरी में चीनी मिल बहुत अच्छा स्थिति में चीनी मिल था जो आज के डेट में ठप है, बंद पड़ा हुआ है, तो वो दूसरा चीज़ जो है सामाजिक उत्थान हुआ, विभिन्न जाति समूह में जो एक गैर बराबरी का बहुत बड़ा लंबा अंतराल था वो तो खत्म हुआ इस 15 साल में, लेकिन दूसरा जब इंडस्ट्रीज की बात होती थी या एक विजन क्लियर होना चाहिए था कि उद्योग हो, ताकि जो एक पलायन हो दिल्ली पंजाब और वहाँ नहीं होना चाहिए था इसमें कहीं। अच्छा रजनीकांत जी, एक बार आपको लगता है जो बिहारी हैं, जो मिथिलांचल के हैं और प्रवासी हैं, दिल्ली कलकत्ता मुंबई या विदेशों तक में रहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो मिथिलांचल के विकास में अपना योगदान दें? नहीं, हमको तो लगता है कि अब पूरे देश में जहाँ जहाँ मैथिल भाषी, और मैथिल भाषी का अनुप जी मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण, मैथिल यादव जी, मैथिल महतो जी, मैथिल मुसलमान समुदाय के लोग, जो भी मिथिलांचल के या पूर्वांचल के या भोजपुरी समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको जहाँ हैं, जो जहाँ हैं, उनको प्रयास करना चाहिए कि बिहार कैसे आगे बढ़े। दूसरी चीज़ कि बिहार सरकारी स्तर पर ही नहीं आगे बढ़े, जो समाज में जो आगे बढ़े हैं लोग, कहीं ना कहीं वो जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, अपने बिहार के लिए सोचेंगे तो निश्चित रूप से जो 21वीं सदी का जो बिहार होगा वो सामाजिक स्तर पर भी बहुत बड़ा बिहार होगा, विकसित बिहार होगा। रजनीकांत जी, आप मध्याह्न मील से जुड़े हुए हैं, हजारों बच्चों को प्रतिदिन आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि उन्हें सुंदर, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यपूर्ण खाना नसीब हो, आप इसे किस रूप में देखते हैं अपनी इस जिम्मेदारी को? और उस समय आपको बता दूं कि बिहार सरकार ने 4 सदस्यीय दल गठित किया था, और उस दल में यूनिसेफ के बिहार झारखंड के हेड थे, उसके बाद शिक्षा विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, वो यहाँ से विजिट करके उन्होंने रिपोर्ट दिया। तब तत्कालीन विभागीय मंत्री आदरणीय श्री बिशन पटेल जी भी आए, और एक सरकारी प्रक्रिया के बाद वहाँ पे हम लोगों को पायलट प्रोजेक्ट में पटना और वैशाली के शहरी क्षेत्र में काम मिला। और इस 1.5 साल में जो हमने बिहार सरकार को काम करके दिखाया, और इस 1.5 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, क्योंकि उसमें एक बिहार का एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं था, लोग वास्तविक काम को भी जो बाहर के लोग थे वो कहते थे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो एक सेंट्रल टीम गई थी, और उसी सेंट्रल टीम के साथ अमेरिका वाशिंगटन DC से 6 सदस्यीय टीम आया, जो हमारे पटना सेंट्रलाइज किचन जो पटना के ठीक 0 माइल में अवस्थित था वहाँ विजिट किया, और उन्होंने रिमार्क्स में लिखा व्यवस्था देख के वेरी इम्प्रेसिव। तो वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी और बड़ी रिकमेंडेशन जो था वो सरकार को मजबूर किया कि नहीं अब जो है आपको ये यही आपको व्यवस्था देना चाहिए स्कूल में। तब जो अभी वर्तमान में बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हैं आनंद किशोर साहब, तो वो उन्होंने इसको पूरा समीक्षा किया सरकारी स्तर पे, खुद मुख्यमंत्री विधानसभा में 3 घंटा तक बहस चला कि एक जब नया कंसेप्ट अपनाया जाता है तो नया कंसेप्ट कैसे सदन के पक्ष और विपक्ष के मान्य सदस्यों को जानकारी में दिया गया, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इस पर लंबे 3 घंटे तक बहस चला, और फिर इसको कैबिनेट से ही पास करा के बिहार के प्रमंडल स्तर पर प्रयोग के तौर पर, क्योंकि ये पायलट था, हम प्रमंडल स्तर पर गए, प्रमंडल स्तर पर हमारी संस्था के साथ साथ देश में और भी कई संस्थाएं थे काम की, हमको नालंदा भेजा गया, हमको गया के नक्सल क्षेत्र में हमने काम किया। आप याद कीजिए कि दिन में भी कई ऐसे इलाके हैं, वो टेकारी का इलाका हो चाहे शेरघाटी हो, जहाँ दिन में भी लोग जाने से उस समय कतराते थे, अब हालांकि अब स्थिति सामान्य है, तो हमने वहाँ काम करके सरकार को दिखाया, और कहाँ जहाँ जहाँ हमने काम किया वो आज तक करीब 10 वर्ष हो गए बिहार में बहुत अच्छा से काम किया। ये मध्याह्न मील आपके लिए व्यवसाय है या पूरी तरीके से सामाजिक कार्य? हमारे लिए सेवा भी है
और हमारे लिए यह सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व है। और शेष बात कि व्यवसाय जो आप जोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है, 10 से 12 घंटा अगर हम जहां काम करेंगे तो रोजी रोटी इस पेट का भी काम वहीं से चलेगा। रजनीकांत जी, आपका नज़रिया क्या है मिथिला राज्य के आंदोलन के ऊपर? क्या आप चाहते हैं मिथिला राज्य बने? देश में अभी 32 राज्य हैं, क्या राज्य अलग होने से विकास हुआ? तो कहीं ना कहीं जो हम मैथिल हैं और स्वाभाविक है कि मिथिला का जो है मुकुट है बेगूसराय, जो 8-10-12 जिला का जो एक काल्पनिक राज्य है, लेकिन हम इस चीज़ के ज़्यादा पक्षधर हैं कि विकास कैसे हो। अभी मिथिला में कई ऐसे राष्ट्रीय धरोहर है, तो सवाल ये भी होता है कि जो हमारे पुरखे थे, चाहे वो राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर जो स्थापित थे, तो वो इतिहास क्यों नहीं बचा पाए? जिस दिन हम मैथिल हो जाएंगे, मैं मैथिल से जब हम मैथिल की तरफ जाएंगे, तब मिथिला जो मिथिला के सीने में जो ऊंचाई का एक आलेख तैयार हुआ है अपने आप पा लेगा। बाकी चीज़ कि हम मैथिल छी, अहाँ दरभंगा के छी, हम मधुबनी के छी, इससे कहीं ना कहीं मिथिला का नुकसान होगा। जो मिथिला का जो व्यापक भूगोल है, जो परिदृश्य है, वो समझने की ज़रूरत है। और मिथिला मैथिल एक क्षेत्र का नाम है। मिथिला कोसी से लेकर गंगा के किनारे के बीच में जितना भी जिला है वो सब मैथिल हैं। और जिस दिन ये भावना उत्पन्न हो गया, उस दिन मिथिला को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मिथिला में अपार संभावना है, चाहे वो सांस्कृतिक का हो, चाहे बाकी सामाजिक क्षेत्रों का हो, मिथिला आगे बढ़ जाएगा। और राज मतलब राज्य कई बन रहे हैं, हर 5-6 साल के बाद राज्य एक राज्य बन जाते हैं। राज्य बनना बन जाए तो और अच्छी बात है, और राज्य बन के ही अगर मिथिला आगे बढ़ेगा तो हमको नहीं लगता है, तो पहले कम से कम हम मैथिल का जो मूल बात है वो समझने की ज़रूरत है, और हम मैथिल हैं ये भावना उत्पन्न करने की ज़रूरत। रजनीकांत जी, आपसे ढेर सारी बातें हुई, एक आखिरी सवाल, बहुत ही व्यक्तिगत सवाल, आप किस राजनेता को पसंद करते हैं या फैन हैं या उनके आदर्शों को मानते हैं? देखिए, जब से हम होश संभाले हैं तो कहीं ना कहीं तीन जो हमने कार्यकाल देखा केंद्रीय स्तर पे, वो अटल बिहारी का जो कार्यकाल था एकदम निष्पक्ष और निश्चल भाव का कार्यकाल था उनका। दूसरा हमने बड़ी नज़दीक से नीतीश जी को काम करते देखा, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब एक जो बिहार को जिस स्थिति में संभाला वो मैंने अपने आँखों से देखा। और नंबर तीन, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए अगर कोई पूछेगा कि देश को हिलाने वाला कौन व्यक्ति है, तो उसके लिए लालू यादव हैं। हमारे मिथिलांचल के रजनीकांत अटल जी, नीतीश जी और लालू जी तीनों को एक साथ एडोर करते हैं, पसंद करते हैं, उनके प्रशंसक हैं। आप देखते रहिए जय हिंद मैथिली न्यूज़, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सबको नमस्कार।